दोस्तों, ये रहा पिछली क्लासेस में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर। आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली कर लेना और जहाँ भी गलती हो सुधार लेना। जो जैसा होता है उसको दोस्त भी वैसे ही मिलते हैं। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो समझ जाना कि आपके जैसा कोई नहीं है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। वो पेड़ पर चढ़ सकता है, मेरा भाई साइकिल चला सकता है, मेरे पिताजी कार चला सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये सब सेंटेंसेस क्यों बोल रहा हूँ? क्या मैं पागल हो गया हूँ? एम आई मैड? नो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द कैन। जब किसी भी सेंटेंस में किसी की एबिलिटी बताई जा रही हो, मीन्स सामर्थ्य बताया जा रहा हो, तो उन सेंटेंसेस को हम कैन से बनाते हैं। तो हम आज की क्लासेस में उसी तरह के सेंटेंसेस के बारे में आपको टीच करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, कैन मीन्स सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन सकता, सकती, सकते में कई सारे अर्थ वाले सेंटेंसेस बोले जाते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें संभावना बताई जाती है, मीन्स पॉसिबिलिटी बताई जाती है, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एबिलिटी बताई जाती है। तो आज मैं आपको वैसे सेंटेंसेस के बारे में टीच करने वाला हूँ जिस सेंटेंसेस में किसी भी चीज़ की एबिलिटी बताई जाए कि वो ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। मीन्स उसमें करने की भी एबिलिटी है और नहीं भी करने की एबिलिटी है। चाहे जो कुछ भी हो उसमें एबिलिटी बताई जाए तो उसको हम कैन से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए हम कुछ सेंटेंसेस के द्वारा जानते हैं। सबसे पहले सकता है, सकती है, सकते हैं, ये सेंटेंसेस के अंत में रहता है, लेकिन विद एबिलिटी, मीन्स एबिलिटी के साथ। जब सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं वर्ब के बाद आए, लेकिन वो सेंटेंस में जब सकता है, सकती है लास्ट में रहे और उसमें किसी की एबिलिटी बताई जाए, उसको हम कैन से बनाते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ मीन्स मुझ में एबिलिटी है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मीन्स मुझ में अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी है, मीन्स आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड, वह गीत गा सकता है, ही कैन सिंग सॉन्ग, मीन्स उसमें गाना गाने की एबिलिटी है, गीत गाने की एबिलिटी है, वो गा सकता है, तो ही कैन सिंग सॉन्ग। ठीक है फ्रेंड, और इसमें सकता, शक्ति के लिए सिर्फ कैन लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते हैं। इसमें सभी प्रोनाउंस यानी सभी सब्जेक्ट के साथ कैन ही लगेगा। आप ये कन्फ्यूज मत होना कि आई के साथ क्या लगाएंगे। जैसे आई के साथ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे कि एम लगाएंगे, वो पहले कन्फ्यूजन रहता था ना, इसमें अभी वो कन्फ्यूजन नहीं है। सिर्फ ओनली वन हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, कैन। बस सेंटेंसेस को समझना है कि किस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी आप समझ चुके होंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इसका नेगेटिव देखते हैं। इसको आप लिख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। वे लोग तैर नहीं सकते हैं, तो वे लोग तैर नहीं सकते हैं, वे लोग का दे
और फ्रेंड, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप ये मत सोचना है कि नेगेटिव इसके नेगेटिव में क्या होगा। सभी स्टेप्स में नेगेटिव के फॉर्मूला वही होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो दे कैन नॉट। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली यह बात है कि कैन के बाद नॉट जब हम लिखते हैं तो इसमें स्पेस नहीं देना है। कैन के बाद जब नॉट लिखते हैं हम तो इसके बीच में स्पेस यानी जगह नहीं देना है, एक साथ लिखना है कैन नॉट। ठीक है फ्रेंड, तो दे कैन नॉट स्विम। वह बोल नहीं सकता है, ही कैन नॉट स्पीक। ठीक है फ्रेंड, इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहेंगे तो शॉर्ट फॉर्म बड़ा इजी है, कैन के बाद एपोस्ट्रोफी टी, ही कैन नॉट स्पीक मीन्स ही कैंट स्पीक। ठीक है फ्रेंड, इसका आप इस्तेमाल करना, ये बहुत इजी है। इसमें क्या है, कभी कभी स्पेस दे देते हैं लेकिन स्पेस अभी देना नहीं इसमें, और आप ज़्यादा सहूलियत के लिए, ज़्यादा इजी होने के लिए कैंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ही कैंट स्पीक, आई कैंट हेल्प यू। ठीक है फ्रेंड, अभी हम कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं समझने के लिए अच्छी तरह से। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता हूं, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता हूं मींस मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं। पता नहीं, शायद वो पैसे के लिए मुझसे मदद मांग रहा हो तो मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं मदद नहीं कर सकता हूं। ठीक है फ्रेंड, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। मीन्स इस सेंटेंस में भी मेरी एबिलिटी बताई जा रही है कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकता हूं, इसलिए कैन लगेगा, आई कैन नॉट हेल्प हिम। या इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, आई कैंट हेल्प हिम। ठीक है फ्रेंड, हम लोग नदी नहीं पार कर सकते हैं, मीन्स हम लोगों के अंदर नदी पार करने की एबिलिटी नहीं है, मीन्स हमारे पास ना तो नाव है ना हम तैर सकते हैं, मीन्स हमारे पास एबिलिटी नहीं है कि हम नदी पार कर सके। तो वी कैंट क्रॉस द रिवर। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आज का हमारा क्लास। आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से एक बार लिख लो और अच्छी तरह से समझ लेना, और जो हम क्लास के एंड में जो सेंटेंसेस देंगे उनको आप अच्छी तरह से बना लेना, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है फ्रेंड, और भी अच्छी तरह से आपको पक्का हो जाएगा ये। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आज की टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि कैन का इस्तेमाल हम कब करते हैं और किस तरह की सेंटेंसेस के लिए करते हैं। सिंपल है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और रोज का हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स और धन्यवाद, शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क, आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से बना लेना। ठीक है फ्रेंड, ओके।